गाइज व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप आई होप यू गाइज आर सेफ आज का वीडियो होने वाला एक हेयर रिमूवल स्प्रे के ऊपर येस जैसे कि हम सब जानते हैं सेल्फ ग्रूमिंग किसको नहीं पसंद है सबको सेल्फ ग्रूमिंग पसंद होती है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो एंड हेयर रिमूवल इज सच अ ग्रेट टास्क राइट अगर हम लोग रेजर को यूज करते हैं क्रीम को यूज़ करते हैं बट क्या कभी आपने स्प्रे के बारे में सुना है जी हाँ ये बहुत फास्ट एंड एफिशेंटली आपके हेयर को रिमूव कर कर देता है एंड दैट टू इट्स अ यूनिसेक्सुअल प्रोडक्ट यानी कि मेन एंड वुमेंस दोनों इसे यूज़ कर सकते हैं क्या यह प्रोडक्ट कैसा है रिव्यू होगा आज की वीडियो में इस तो लच गए यहाँ पे दिस न्यूड का हेयर रिमूविंग स्प्रे तो ये कुछ इस तरीके की आपके आउटर पैकेजिंग में आएगा एंड नॉट एट अ कॉस्टली साइट टू नाइन्टी रुपीज़ का एंड आपको सेल पे काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे मिल जाएंगे एंड मैं आपको इनर पैकेजिंग दिखा देती हूँ एंड इनके प्रोडक्ट आपको न्यूड के वेबसाइट पर या तो फिर अमेजोन फ्लिपकार्टे भी देखने को मिल जाएंगे दिस इज हाउ द इनर पैकेजिंग लुक लाइक ब्लैक कलर की इन्होंने पैकेजिंग दी है नाउ टॉकिंग अबाउट द थिंग इसे यूज़ कैसे करना है आपको करना कुछ नहीं है सबसे पहले शेक करी एकदम अच्छे से ताकि इसमें जो भी प्रोडक्ट्स you know, हो वह अच्छे तरीके से यू नो कम्बाइंड हो जाए एंड जिस भी एरिया के आपके हेयर को रिमूव करना है आपको जो स्प्रेट ऑन इट आपको स्प्रे करना है हो सकता है जेली जैसा स्ट्रक्चर होगा थोड़ा सा इसका तो आप अपने फिंगर से भी इसको uh, मतलब इवनली uh, अप्लाई कर लीजिए ठीक है एंड उसके बाद आठ से दस मिनट के लिए छोड़ दीजिए डिपेंडिंग अपॉन योर हेयर थिकनेस कि आपके हेयर की थिकनेस अगर ज़्यादा थिक हेयर होते हैं तो आप टेन मिनट्स रखिए और अगर आपके नो एवरेज हेयर है तो आप आठ मिनट के अंदर भी इसे रिमूव कर सकते हो अब रिमूव कैसे करना है इनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग तो जस्ट आपको वेट टावल लेना है एंड उससे स्वाइप कर देना बट पर्सनली आई विल रेफर जैसे मैंने यूज़ किया तो मुझे लगा कि अब जिस भी एरिया के बाल निकाल रहे हो उस एरिया में पूरी तरीके से पानी डाल दीजिए पूरी तरीके से मतलब पानी से उसे क्लीन कर लीजिए पहले मतलब ऊपर से आपको जस्ट पानी डालना है एंड उसके बाद एक क्लॉथ से या वेट वाइप्स की हेल्प से आप इसे रिमूव कर सकते हो बहुत ईजिली एंड स्मूथली रिमूव हो जाता है एंड आपको स्टिल कुछ कुछ हेयर ग्रोथ देखने को मिलेंगे तो आप क्या करिए जैसे आप शाल लेने जा रहे हो तो आप लूफा का यूज़ करिए लूफा को यूज़ करोगे ना तो उससे क्या होगा जो हल्के फुल्के बाल भी हल्के से लाइक लूज तो हो गए होंगे बट क्या होता है एकदम रूट से बाहर नहीं आए होते हैं, तो रह जाता है तो आपको करना कुछ नहीं है जस्ट शावर लेते टाइम लूफा से आप थोड़ा रब करोगे ना तो वो हेयर ग्रोथ भी आपकी बाहर निकल के आ जाएगी एंड पर्सनली आई फील स्प्रे मेथड इज समथिंग वेरी अमेजिंग बिकॉज हम लोग um, रेजर या क्रीम का यूज़ करते हैं ये काफ़ी फास्टली भी निकाल देता है विदाउट अ पे एंड अ पेनलेस यू नो एक्सपीरियंस बिकॉज रेजर में बहुत से लोगों को डर लगता है यार कि कहीं घटना लग जाए बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है एंड इट आल्सो इट्स आल्सो अ पेनलेस वे आप हेयर को रिमूव कर सकते हो बट एम मेक श्योर इसको यूज़ करने से पहले आप अपने पैच टेस्ट को जरूर से लीजिए बिकॉज पैच टेस्ट लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है साथ में इसके अंदर है एलोवेरा एंड जोजोब जो ऑयल जोजोबा ऑयल की गुडनेस जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड नरिश्ड एंड मॉइस्चराइज भी साथ में रखेगी एंड ऑल्सो इट्स पैराबिन फ्री तो पैराबिन फ्री है तो केमिकल्स ज्यादा नहीं है इसके अंदर तो, तो आपकी स्किन पे आप आराम से एक बार के लिए से ट्राई कर सकते हो बट हाँ इसे यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट जरूर लीजिएगा ये था मेरा आज का वीडियो आई होप यू गाइस एंजॉयड इट एंड मैंने इसे ट्राई किया अगर थिक हेयर ग्रोथ है तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको दो टाइम इसको अप्लाई करना पड़े बट अगर आपकी नॉर्मल हेयर ग्रोथ है ना तो आठ मिनट इज मोर देन सफिशियंट तो ना आपके हेयर बहुत ईजिली रिमूव हो जाएंगे सो so, याद ये था मेरा आज का वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए अगर अच्छा लगा तो क्या करना लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए चेक and oh, bye bye